Assalamu alaikum viewers, welcome back to my channel. I am glad that you tune in with me, and today we are going to cover our next exercise, which is exercise number 15. Viewers, as you know ke ye Allama Iqbal Open University ki compulsory English 1 hai jiska code hai 1423. To hum iska unit 2 kar rahe hain aur isme hum log informal letters seekh rahe hain ki how to write an informal letter mean jo friends ko likhe jate hain cousins ko fathers family ko likhe jate hain yani unofficial jo letter hote hain un letters ko seekh rahe hain so hum aaj dekhenge ki letters jo hain wo basically agar hum kin logon ko likh rahe ho to kis tarah ka pattern hame use karna chahiye so viewers अगर जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन ताकि आने वाला हर लेक्चर सबसे पहले आपको मिल सके सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर यू वांट टू राइट टू द फॉलोइंग पीपल अगर आप दिए गए लोगों को खत लिखना चाहते हैं हाउ वुड यू स्टार्ट एंड एंड ईच लेटर तो आप हर लेटर को किस तरह शुरू और खत्म करेंगे फर्स्ट पे उन्होंने दिया हुआ है आपको अली राशिद अली राशिद को अगर आपने लिखना है अली राशिद आपका कौन है ये है जी अ क्लोज फ्रेंड हुम यू हैव नो फॉर मेनी इयर्स आपका क्लोज फ्रेंड है जिसे आप काफी सालों से जानते हैं सेकंड पे अगर आपने लिखना है जी अमजद भट्ट को ये कौन है वन ऑफ योर प्रोफेसर्स एट कॉलेज एक आपका प्रोफेसर है जो कि कॉलेज में है ठीक है डेफिनेटली अगर कॉलेज के लिखेंगे तो आप फॉर्मल थोड़ा सा लिखेंगे ठीक है आयशा रहमान है तो इन्हें कैसे लिखना है द मदर ऑफ अ क्लोज फ्रेंड ऑफ योर आपकी जो करीबी दोस्त है उसकी मदर हैं और खालिद कयूम को अगर लिखना है तो क्या है योर फैमिली डॉक्टर है अगर आपने इनको लिखना है लेटर तो आप बेसिकली कैसे लिखेंगे राइट हम नीचे आगे देखते हैं कि हमें इन्होंने थोड़ा सा स्टाइल बताया हुआ है यहाँ पहले हम देखेंगे जी ओपनिंग सेंटेंसेस कौन से होते हैं इफ समवन हैज ऑलरेडी रिटन टू यू अगर किसी का रिप्लाई करे मीन किसी ने आपको पहले ही कोई लेटर लिखा हुआ है दिस इज अ कॉमन वे टू स्टार्ट अ लेटर ये आमतौर पर लेटर शुरू करने का एक आम तरीका है वो थैंक से हम कह सकते हैं मैनी थैंक्स फॉर योर लेटर आपके खत लिखने का बहुत ज्यादा शुक्रिया थैंक फॉर योर लेटर आपके लेटर का शुक्रिया थैंक यू फॉर योर लेटर आपका शुक्रिया आपके लेटर का फॉर यू वेरी मच फॉर योर लेटर सॉरी थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर योर लेटर आपके लिखने का आपके खत लिखने का बे इंतहा मशकूर हूँ या बेहद शुक्रिया थैंक यू सो मच फॉर योर लेटर सो इस तरह आप क्या है स्टार्ट कर सकते हैं लेटर को मीन इससे आइडिया होगा कि आप उनके लेटर के रिस्पॉन्स में ये लेटर लिख रहे हैं इफ यू हैव हर्ड सम गुड और बैड न्यूज फ्रॉम समवन यू कैन ऑल्सो से अगर आपने क्या किया है यहाँ तो हमने देखा है ना इफ समवन ऑलरेडी सेंड यू अ लेटर तो ये लिखना है और अगर कह रहे हैं अगर आपने कोई अच्छी खबर या कोई बुरी खबर सुनी है किसी के बारे में तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे तो आप उसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अगर खुशी है तो कह सकते हैं आई वॉज डिलाइटेड टू हेयर दैट मुझे ये सुनकर खुशी हुई ये भी कह सकते हैं आई एम हैप्पी टू हेयर दैट या आई एम थ्रिल्ड टू हेयर दैट थ्रिल्ड होता है ज्यादा खुश हो जाना ना एक्साइटेड जैसे हम कहते हैं आई वॉज प्लीज टू हेयर दैट ये भी एक्चुअली ये सारे सिनोनिम्स है और अगर आपने कोई बुरी खबर सुनी है तो आई वॉज सॉरी टू हेयर दैट मुझे अफसोस हुआ सुन के ये माफी चाहता हूँ ये सुन के शॉक्ड आई वॉज शॉक्ड टू हेयर दैट मुझे ये सुनकर जरा हैरानगी हुई आई वॉज अमेज टू हेयर दैट और जो है अमेज भी हैरान उनके मानी है सो आप इस तरह जो है अच्छी या बुरी खबर के बारे में अगर लिखना हो तो ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं हियर इज आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज नंबर 16 कहते हैं लुक एट द फ्रेजेस 1 to 11 वन टू 11 की फ्रेजेस देखते हैं ये जी हमें इन्होंने दी हुई है यहाँ पे एक आई थिंक तो नीचे नेक्स्ट पेज पे पहले हम इन्हें देख लेते हैं ठीक है जी फिर उसके बाद हम जो है वो आगे वाली देख सो व्यूअर्स देखते हैं कि यहाँ पर हमारी फर्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे फ्रेजेस इन लोगों ने दी हुई है और यहाँ इनके पर्पजेस दिए हुए जैसे कि अभी उन्होंने आपको ऊपर बताया ना कि किस टाइप का हो तो क्या करना चाहिए तो ये हैं हमारे पास फ्रेजेस और ये हैं हमारे पास पर्पजेस सो फर्स्ट फ्रेज देखते हैं दैट रिमाइंड्स मी ये मुझे याद दिलाता है
तो ये आपकी अगर ऑप्शंस अगर हम देखें टू चेंज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को चेंज करने के लिए, मौजू को चेंज करने के लिए हम इस तरह का सेंटेंस या फ्रेज जो है यूज करते हैं. व्हाई डोंट वी, क्यों नहीं हम, ठीक है. तो यहाँ एच पी ऑप्शन है टू सजेस्ट आर इनवाइट, यानी कि किसी भी चीज को सजेस्ट करने के लिए या इनवाइट करने के लिए कि हम क्यों नहीं हम वहां जा सकते. व्हाई डोंट वी डू दिस, व्हाई डोंट वी एंजॉय दिस नाइट, व्हाई डोंट वी एंजॉय दिस वेकेशन टुगेदर, इस तरह की कोई भी सजेशंस के लिए. आई हैड बेटर गेटिंग गोइंग, सो एस ये बेहतर है कि मैं ऐसा करूँ या करूँ, तो ये इसके लिए जो है ये लास्ट में सजेशन, लास्ट वाइंडिंग अप के लिए ना, फिनिश द लेटर. नेक्स्ट है जी थैंक यू फॉर लेटर, खत लिखने का शुक्रिया. तो ये क्या है, थैंक्स फॉर योर लेटर, ये जी सी है टू थैंक द पर्सन फॉर राइटिंग. नेक्स्ट फाइव पे है जी प्लीज लेट मी नो, मुझे जान लेने दीजिए. टू आस्क फॉर अ रिस्पॉन्स, कोई आपने रिस्पॉन्स जाना तो उसके लिए आप बोलेंगे प्लीज लेट मी नो. आई एम रियली वरी, मैं बहुत ज्यादा फिक्र, आई एम रियली सॉरी, मैं माजत का हूँ. तो टू अपोलोजाइज, सॉरी करने के लिए. लव बिफोर साइनिंग द लेटर, लेटर को खत्म करने से पहले, दफ्तर करने से पहले कोई लव सिंसियरली इस टाइप की चीजें हम लिखते हैं. कुड यू डू समथिंग फॉर मी, क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं. टू आस्क अ फेवर, फेवर को पूछने के लिए. राइट सून, जल्दी लिखिए. ये मसलन टू आस्क फॉर अ रिप्लाई, जवाब मांगने के लिए तो कहते हैं राइट सून, ठीक है जी. डिड यू नो दैट, क्या आप ये जानते हैं, ठीक है. इसका जी ये नेक्स्ट उस पे है, ये मैं नीचे करके दिखाता हूँ. टू शेयर सम इंफॉर्मेशन, ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए. फिर है जी डिड यू नो दैट, इसके बारे में ये आ गया. और लास्ट पे है आई एम हैप्पी टू हेयर दैट, मैं खुश हूँ ये जान के. टू बिगन द लेटर, कोई भी लेटर शुरू करने से पहले जो है वो ये करना है. राइट, now let's move to our next exercise which is exercise number 17. In exercise number 17 they are saying that choose one of the three subject, theek hai, in teenon mein se koi ek subject select karna hai and write a letter to a friend or family member. to aapne letter likhna hai friend ko ya apne kisi family member ko. ab wo yahan kya keh rahe hain, first unhone aapko option di hai. Write a letter to a friend you haven't seen or spoken in a long time. अपने किसी ऐसे friend को खत लिखिए जिसे आपने काफी time से देखा नहीं है या आपकी बात नहीं हुई है. Tell him her, उसे बताएं about what you have been doing. आप क्या कर रहे हैं, and ask them how they are. और उनसे पूछें कि वो कैसे हैं and what they have been up to recently. और वो अभी तक क्या करते रहे हैं, ठीक है जी. नेक्स्ट ऑप्शन है राइट अ लेटर टू अ कजन, कजन को लिखे एंड इनवाइट देम टू योर वेडिंग, और उसे अपनी शादी पे मधु करें. गिव देम सम डिटेल अबाउट योर फ्यूचर हस्बैंड एंड वाइफ, और क्या करें, उन्हें कोई जो है डिटेल्स बताएं कि उनके फ्यूचर हस्बैंड या अपनी वाइफ के बारे में कि वो कैसी और क्या सोचते हैं. नंबर थ्री पे आपके पास ऑप्शन है जी राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड यू नो हैज बीन हैविंग सम प्रॉब्लम, ठीक है, खत लिखें अपने दोस्त को कि आपको कोई मसला हो गया. आस्क हिम एंड हर, मसला वो क्या करना है जी आपने. हाउ शी ही इज डूइंग एंड इज इफ यू कैन हेल्प, अच्छा जी आप उनसे पूछें क्या वो आपके कोई किसी किस्म की मदद कर सकते हैं. सो इनमें से किसी एक भी आपने लिखना है. लिखना कैसे, ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं, एड्रेस कैसे लिखना है, कोमा कहाँ लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, स्टार्टिंग के पैराग्राफ कैसे लिखना है, एंडिंग कैसे करनी है, सिग्नेचर कैसे करने हैं, या आपने एंडिंग जो नोट है वो कैसे देना है. सो इस तरह आपने एक लिखना है. और यहाँ एक आपको क्वेश्चन जो है होपफुली प्रिपेयर हो गया होगा. इन अवर नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे सेक्शन ई, जो कि बेस करता होगा लिसनिंग पे, ठीक है जी. ये हमारा है सेक्शन ई और लिसनिंग पे बेस करता है. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी व्यूवर्स. इफ यू लाइक द लेक्चर तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, ताकि आने वाला हर लेक्चर टाइम पे आपको मिल सके. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी वंस अगेन. अल्लाह हाफिज़.